हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। करण जौहर का बेस्ट फ्रेंड, सालों से इसकी करण के साथ दोस्ती है और इसका नाम का सिक्का पूरे बॉलीवुड में चलता है। लोग सपने देखते हैं कि इसके बनाए हुए कपड़े वो पहने। उसके साथ साथ दो और बड़े डिजाइनर फंस गए हैं बुरे घोटाले में। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। मनीष मल्होत्रा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, किसी भी तरह के तारुफ की इनको कोई ज़रूरत नहीं। सभ्यसाची का नाम पूरी दुनिया जानती है। तो वहीं तीसरी हैं ऋतु कुमार। ये तीनों ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिनको कुट्योर डिज़ाइनर कहा जाता है, जिनके कपड़े एक आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह से बाहर होते हैं। पर अब इनको ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ। ईडी को इन तीनों डिजाइनर्स ने पूछताछ के लिए बुलाया है, नोटिस भेजा है। ये तीनों ही बॉलीवुड के सबसे बड़े सेलिब्रिटी डिजाइनर हैं, सुपरस्टार्स इनको जानते हैं। लेकिन अगर आप सोर्सेज की माने तो पंजाब के एक विधायक, जो कि हाल ही में कांग्रेस का हिस्सा हुए हैं, और वो एक शादी की वजह से, जो इनके यहाँ एक शादी हुई उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि शादी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं और काफ़ी खर्चे का तो कोई हिसाब किताब तक नहीं है। ईडी ने जब उनको इतनी सारी कंप्लेंट्स मिली तो उन्होंने छापा मारा इस विधायक के घर, और कुछ कच्ची पर्चियाँ होती है ना, कुछ कच्चे बिल जो होते हैं, जो आप हाथ से लिख कर देते हैं, उसे कच्चे बिल कहते हैं। और ऐसे में ईडी को ड्रेसेस के कई सारे बिल्स मिले, जिसमें मनीष मल्होत्रा, ऋतु कुमार और सभ्यसाची को पैसे देने की बात लिखी हुई थी। और इसकी सच्चाई पता करने के लिए अब इन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विधायक से भी 21 जून को दिल्ली में पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन अब ईडी इन डिज़ाइनर से पूछेंगी कि इन पर्चियों पर उनके नाम का आखिर मतलब क्या है। उन्होंने पैसे जो हैं वो कैश में लिए, जिससे वो टैक्स से बच सके। हम आपको बता दें कि जो भी ड्रेस की पेमेंट होती है आपको उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना होता है। क्यों आपको इसलिए करना होता है, क्योंकि वो सारा वाइट मनी होता है। आप जो भी कैश में लेन देन कर रहे हैं इस तरह का, उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। और इन तीनों के ऊपर ही ब्लैक मनी लेने का आरोप लगा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। इन तीनों की ही मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। क्या कहेंगे आप, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।